नमस्ते स्वागत है आपका स्टडी लैब्स पर कल हमने ये वाइब्रेशन का यानी कि रबर बैंड से वाइब्रेशन का एक एक्सपेरिमेंट देखा था और इसमें बड़ा प्यारा सा ये एक्सपेरिमेंट था कि हम रबर बैंड को वाइब्रेट करते हैं इसकी पोजीशन बदल बदल के तो आवाज अलग अलग, अलग आती है लेकिन ये कोई ऐसा हाइपोथेटिकल नहीं है कॉन्सेप्ट कि ऐसे रबड़ बैंड से बजा रहे हैं एक्चुअली एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको एक तारा या तुम भी कहा जाता है एक तारा इसलिए क्योंकि सिर्फ इसमें आप देखेंगे कि एक ही तार है ये आपको इसमें एक ही तार दिख रही होगी इसीलिए इसको एक तारा कहते हैं और हम समझने की कोशिश क्या कर रहे हैं हम समझने की ये कोशिश कर रहे हैं कि वाइब्रेशन होने से आवाज ध्वनि उत्पन्न होती है ये हम समझ गए कंपन करने से आपको यहाँ पर भी दिख रहा होगा कि अगर इसमें वायर को कंपन करूँ वाइब्रेशन दूँ तो आवाज़ प्रोड्यूस हो रही है लेकिन एक और फैक्टर हमने देखा कि लंबाई को और टेंशन को यानी कि उसमें जो तनाव पड़ रहा है उसको भी अगर हम बदले इसमें भी हम इस स्केच पेन से क्या कर रहे हैं कि इसका लंबाई को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं और आवाज डिफरेंट हो रही है और टेंशन को भी थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं तो इस एक तारे को अगर हम देखें तो इसमें दो फैक्टर हैं अभी तीन फैक्टर ओरिजिनली होते हैं लेकिन हम उन उस तीसरे फैक्टर के बारे में बाद में भी समझेंगे धीमे धीमे करके समझेंगे सब एक बार में नहीं समझेंगे लेकिन दो फैक्टर हम अपने इसमें भी समझ रहे थे एक तो टेंशन कि इस रबड़ बैंड पे कितना तनाव है और दूसरा इसकी लंबाई कितनी है इन दोनों फैक्टर्स पर हमारी ध्वनि जो उत्पन्न हो रही है वो निर्भर करती है अभी इसमें भी आप देखेंगे तो एक यहाँ पर ये नॉब है जो घूम सकता है और इससे इस जो डोरी है या स्ट्रिंग है इसके ऊपर जो टेंशन है उस पर फर्क आएगा ज्यादा खींचेगा या कम खींचेगा दूसरा ये जो यहाँ पे एक त्रिकोण है ट्रैंगल है इसको मैं आगे पीछे करके इसकी लेंथ को चेंज कर सकता हूँ इसकी लेंथ को मैं बदल सकता हूँ तो हम पहले देखते हैं कि अभी इसकी आवाज़ कैसी है ये आवाज़ कुछ ऐसी है और मैं इसके टेंशन को थोड़ा सा बदलने की कोशिश करता हूँ इसके टेंशन अभी तेज ज्यादा कर रहा हूँ मैं पहले धीमे करता हूँ खोलता हूँ इस स्ट्रिंग को तो ये कुछ ऐसा इसमें से आवाज आ रही है और इसको अगर मैं टेंशन बढ़ाता चला जाऊं तो आपको दिख रहा है कि इसकी आवाज बदलती चली जा रही है दूसरा मैं लेंथ में भी चेंज कर सकता हूं मैं इसको अगर थोड़ा और पीछे लेकर जाऊं और इसी टेंशन पे इसको होल्ड करके रखूं, तो ये फर्क है यहां पर जब ये है तो अलग आवाज है और यहां पर जब है तो अलग आवाज तो लेंथ से भी फर्क पड़ता है लंबाई कितनी है ये हम इसको इतनी लंबाई दे रहे हैं कि इतनी लंबाई दे रहे हैं कि इतनी लंबाई दे रहे हैं उससे जो ध्वनि उत्पन्न हो रही है उसमें फर्क आएगा दूसरा टेंशन कि इस ऑब्जेक्ट में हम टेंशन इस तार में हम टेंशन कितना दे रहे हैं उससे भी आवाज में फर्क आएगा दूसरा यह है कि आप इसको ऐसे मेरे पास तो जो प्रॉपर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट और ये भी बड़ा आसानी से सस्ते में मिल जाता है दो ढाई सौ में इतना महंगा नहीं है लेकिन अगर आप बच्चों को यह बनाने के लिए दें तो ये जो नारियल होता है और इसका ये जो आउटर शेल निकल कर आता है इससे बड़े आराम से बन सकता है कि यहाँ पर वो पेपर लगा सकते हैं बटर पेपर लगा सकते हैं या कोई ऐसी प्लास्टिक की शीट लगा सकते हैं इधर एक डंडा लगा सकते हैं और उसके ऊपर ये तार लगा के अपना भी बना सकते हैं जो एक तारा है और YouTube पे बहुत सारे वीडियोस हैं जिसमें उन्होंने बताया है कि कोकोनट शेल से कैसे हम एक तारा बना सकते हैं लेकिन उसमें स्किल काफी सारी समझ में आती है कि कैसे वो टेंशन चेंज हो रहा है कैसे वो लेंथ चेंज हो रही है और फिर जब आप अपनी क्लास में पढ़ाओगे तो बच्चा कनेक्ट कर पाएगा कि ये टेंशन क्या है ये लेंथ क्या चेंज है और ध्वनि या पिच फ्रिक्वेंसी क्या है राधा दैन कि हम डायरेक्ट पढ़ाने से स्टार्ट करें आप बनवाइए पहले और फिर बन, बनाते बनाते ही बच्चा बहुत कुछ सीख जाएगा और फिर आप उससे थ्योरी डिस्कस करिए तो उसको वो थ्योरी में और ज्यादा कनेक्ट फील होगा थैंक यू